रायपुर पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार राजेश मूणत ने हटकेश्वर नाथ का आशीर्वाद लेकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने विकास के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा। प्रदेश सरकार पर कई तरह से गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाजपा अलोकतांत्रिक पार्टी के बयान पर भी मूणत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी के घर में ताक झांक छोड़कर अपना घर संभालें। को रायपुर पश्चिम से टिकट मिली और आज महादेव घाट स्थित हटकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करके प्रचार अभियान शुरू किया। सर, आज आपने भोलेनाथ के दरबार में जो है जीत की अर्जी लगाई है, कितने आश्वस्त हैं इस बार जीत को लेकर? मैं 2003 में जब पहली बार लोकतांत्रिक यात्रा प्रारंभ किया, पहला चुनाव जीवन का लड़ा था, तब भी मैंने बाबा के दरबार में अपनी अर्जी लगाई थी। सबसे पहले आज मेरी यही कि कल पार्टी ने घोषणा की, पार्टी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते करते बाबा के दरबार में मैंने अपनी यह चीज की है कि वहां जाकर के उनके चरणों में नमन करूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दे कि आम जनता की आकांक्षा अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूं और मेरे मन में वो भाव के साथ मैं काम करूं, यही श्रद्धा अंत। आप लगातार आप प्रचार करेंगे, कौन कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? रायपुर का समुचित विकास योजना और प्लानिंग के साथ, यह शहर हमारा है, यह रायपुर हमारा है। इस रायपुर शहर के अंदर 4.5 साल में बेतरबी से पूरे शहर को खोद के पटक दिया, चारों तरफ अवैध कब्जे, लोगों ने अपने हिसाब से अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए चारों तरफ जहां इच्छा हो वहां गलत तरीके से व्यवस्थापन के नाम पर गलत काम किया। यहां की जनता बोल रही है कि साहब, हम 50 साल 60 साल से रहते हैं, हमें पट्टा नहीं मिल रहा स्थाई, हमें 3 साल का पट्टा दे रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को 30 साल का पट्टा, ये दोहरा मापदंड क्यों? अरे छत्तीसगढ़ मातारी की बात करने वालों मित्रों, छत्तीसगढ़ मातारी का वो भी तो बेटा है जो यहाँ 50 साल से काबिज है, उसको 3 साल का पट्टा और अपने कांग्रेस पार्टी के पंजे छाप नेताओं को 30 साल का पट्टा, ये दोहरा चरित्र, दोहरा व्यवहार और रायपुर के साथ में दोहरा पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी और इन सबको बदलने के लिए जनता के बीच में हम जाएंगे। हमारे साथ पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के प्रत्याशी राजेश मूणत, जिनका साफ तौर पर जो कांग्रेस की जो विफलताएं हैं उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, आईएनएस न्यूज़ रायपुर।